तो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूँ आपके सबने चैनल में। तो बहुत दिनों के बाद हम आपको स्टोरी डाले थे कि कुछ दिन पहले, तो स्टोरी में था क्या ना, जो मेरा डोमिनर का एक्सेसरीज बजाज से आ चुका है। सभी एक्सेसरीज नहीं, कुछ ही एक्सेसरी बजाज से आ चुका है। तो उस एक्सेसरीज को अनबॉक्स करने का टाइम आ चुका है और उसको फिटिंग करने का, इंस्टॉलेशन करने का भी टाइम आ चुका है। तो एक छोटा सा झलक उसका सिनेमेटिक तो बनता है ना, जो चलिए सिनेमेटिक की तरफ। सो जैसे कि पहला बॉक्स है अपना, ये यहाँ पे देख सकते हैं गार्ड सैडल RH। तो ये मुझे पड़ा करीबन 654 का, 654, और सेम कॉस्ट दूसरे का भी है। तो ये भी मतलब ये है मेरा दो साइड का जो सैडल स्टेज है उसको कह सकते हैं सैडल गार्ड, बस ये रहा मेरा वही। और एक मिनट, अभी इसमें है मेरा जो सो देन नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये रहा मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्रैब हैंडल्स, मतलब ये जो हमारा टॉप बॉक्स का जो है वो पार्ट है शायद। या तो ये रहा है वो पार्ट, ये करीबन मुझे पड़ा है, आपको दिखाता हूँ मैं, 1572 का, मतलब 1572। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बजाज का जेन्युइन पार्ट इतना भी कॉस्टली नहीं होता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरा तो आपको पता है मैं ज़्यादा कुछ अनबॉक्स में नहीं दिखाता, बस ये थोड़ा मतलब नॉर्मली हैवी आपको बता सकते हैं, मेटल का है ये बस। और इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ट्रबल होगा क्योंकि मैं आज सोलो ही अकेले ही अनबॉक्स पूरा इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। साइड में डोमिनेटर का हाइपर गियर्स आपको दिख रहा होगा, ये आपको मिलेगा आपको हार्ड प्लास्टिक में। मुझे लगा था कि ये मेटल का होगा बट ये हार्ड प्लास्टिक में है। तो शायद नहीं, मे बी बजाज वालों को ये मेटल का देना चाहिए, तभी जाके साइड पेनियर्स हम इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको बाहर से कहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा इसको। और सेम चीज़ दूसरे वाले में भी, तो मैं इसको फिटिंग नहीं करूँगा अभी के लिए, शायद अभी के लिए मैं इसको फिट नहीं करूँगा, सिर्फ पीछे का जो टॉप रैक है उसको हम फिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, और दूसरा वाला भी खोल के कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पे रख देते हैं, दूसरा वाला खोल के कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं, उसको क्या करते हैं ना अपने डोमिनर पे फिट करते हैं। और व्यू के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ना घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी फ़िलहाल बंद है, ऊपर का छत पड़ेगा, ये मेरा ऑफिस रूम है। तो चलिए डोमिनेटर पर जाके डायरेक्ट उसको फिट करते हैं, और ऐसे ही आपके भाई के साथ बने रहिए। और आगे वीडियो कैसा इंस्टॉलेशन होता है, क्या होता है, आपको प्राइजिंग पता चल गया है, अगर प्राइजिंग नहीं पता चला मैं क्या करूँगा ना, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल प्राइजिंग मेंशन कर दूँगा। और आपके भाई को चैनल को आगे, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शायद उड़ीसा में पहला डोमिनेटर में कोई मतलब 2019 वाले डोमिनर मॉडल में
वही 2022 का जो एक्सेसरीज वाला फुल्ली लोडेड जो आ रहा है डोमिनर, शायद किसी ने फिट किया होगा। तो पहले हम होंगे जो 2022 का जो एक्सेसरीज वाला मॉडल का फिट कर रहा है अपने पुराने वाले मॉडल में। तो चलिए देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन होता है या नहीं, क्या होता है, चलते हैं। सो अपना डोमिनर यहीं पे है, फाल्कन यहीं पे है, तो यहाँ पे फिट करना पड़ेगा हमें। तो उसको फिट करने के लिए जो अपने बाइक के चाबी से अपना जो सीट को ओपन कर लीजिए, सीट के ऐसे निकल आएगा। तो मुझे क्या करना है, बस सिंपली इन नट्स नट्स को यहाँ से रिमूव करना है। टोटल छः नट्स हैं, तो इसको रिमूव करके सिंपली उसे यहाँ पे फिट करना है। तो वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि अभी फिटिंग करने में ज़्यादा तो टाइम तो नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब भी जो होता रहेगा, कौन सा लिंक के लगता है, क्या लगता है, मैं सभी बताता रहूँगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और चलो उसको लाते हैं। चलो तो इसमें सारे मेरे एलिंग के रेंचेस सभी हैं यहाँ पे। तो आपका भाई हर टाइम जो पूरा एकदम सेटअप है पूरा लेके चलता है। तो इसमें देखेंगे अभी कौन सा एलिंग की यहाँ पे फिट होगा। जस्ट टू वेट, ओके। यहाँ पे शायद देखिए, यहाँ पे आप चेक करिए सभी जो है नट्स हैं जितने भी सभी एलिंग से खुलेंगे। तो मुझे रेंचेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यहाँ पे ज़रूरत होगी मेरे लेंस। यहाँ पे रखता हूँ और आई होप वीडियो सही से आ रहा होगा अभी। सो गाइस, तो सो जो है आपको ये लेंस ही दिख रहा होगा, ये कौन सा साइज है लेंस है मुझे कुछ पता नहीं है, बट ये इजीली मेरे यहाँ पे केवल जो ए वाला स्ट्रॉप है तो इसमें आराम से इजीली यहाँ पे फिट हो रहे हैं। तो क्या हुआ ना, मुझे अभी इसको निकालना है। ओके, इजीली आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं, ज़्यादा मेहनत का कोई काम नहीं है। आप इसको इजीली रिमूव कर दीजिए और सेम चीज़ इस साइड में भी, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली नहीं। ये सब आप आराम से घर में भी कर सकते हैं, मैं जैसे कि शोरूम नहीं गया, घर में ही कर रहा हूँ अभी। इन दोनों को इन दोनों की बारी है, तो ये मेरा जो ग्रब हैंडल है ये निकल जाएंगे, तो देखते हैं मे बी ये मेरा फिट हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा पड़ा, शायद ये फिट होगा या बस। देखिए ये मेरा फिट हो गया, तो इजीली आपका जो ये नट में जो लग रहा है, तो इससे दो नंबर ज़्यादा साइज़ का इसमें नट है, तो इजीली आपका निकल जाएगा। सेम चारों में ही बस पूरा सेटअप यहाँ का निकल चुका है, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। और सेम चीज़ मुझे इसके साथ भी करना है, और आप थोड़ा आउटर नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉलोनी में मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तो जब भी आप एक काम करें, जब भी आप वीडियो बनाएं कि कुछ बनाएं अपने कॉलोनी में ये कहीं पे चेक कीजिएगा कि कहीं पे गाना या कुछ नहीं बज रहा हो, क्योंकि ना आपकी वीडियो में कॉपीराइट का लगने का इशू है।
तो जैसे कि मेरा कॉल आया था तो क्या कहना, मैंने अभी मोबाइल को साइलेंट में बिठा दिया हूँ। तो बिना मोबाइल साइलेंट के अपना काम शुरू मत कीजिए, अगर आप ब्लॉगिंग या वीडियो बनाते हैं, नहीं तो आपको कॉपीराइट लगने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। और अभी उसको रिमूव कर चुके हैं, अभी इसको फिट करने की बारी है। ओके, इजीली अभी ये फिट होगा, शायद मे भी ज़्यादा बड़ा नट लगेगा या उसी में हो जाएगा, हमें पता नहीं, तो जस्ट वेट, हम चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस सब में मैंने वॉशर सब हम फिट कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे साइड में मुझे सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा बारी बारी से, और सबको टाइट करना पड़ेगा सही से, है ना। तो थोड़ा दिक्कत वाला काम है, सही जगह में प्लेस हुआ है नहीं सब चेक करो पहले। और इतना बड़ा घुमाने से अच्छा आप नीचे की तरफ बड़ा है वो लगा लो, अब सेट कर लो, अब ऊपर से इसको घुमाओ। तो बस सबको थोड़ा थोड़ा सा टाइट करते चलो। ओके, अभी सेम इस साइड में भी आपको करना है। सबको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से हल्के हल्के हाथों से टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ में आपको चेक भी करना पड़ेगा आपका सही से बैठ रहा है, कहीं पे कुछ टच तो नहीं हो रहा है। बस अभी आप इसको क्या कर सकते हैं ना, फुल टाइट कर सकते हैं या। और मेरा जो स्टॉक वाले, जो कंपनी वाले जो नट हैं, उनमें ही मेरा काम हो गया, दूसरा नट मुझे लेना नहीं पड़ा, बहुत ही बढ़िया बात है। एक काम करिए कि आप जब आप टाइट कर रहे हैं तो आप क्रॉस में टाइट कीजिए, तो क्रॉस में टाइट करने से आपका क्या होता है ना, जो टाइट और जो आपका जो चीज़ है वो बढ़िया बैठता है। और अब बताइए कैसा लग रहा है, बढ़िया ना। तो मेरा पूरा टाइट हो गया, लास्ट आप क्या करिए, एक बार और चेक कर दीजिए पूरा टाइट है या नहीं। तो मेरा फुल्ली टाइट हो चुका है, अभी यहाँ पे जो छोटे छोटे लगे थे स्ट्रैप, उन सबको भी लगा देने का टाइम आ चुका है। सबको लगाने में मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत ही बढ़िया अभी लग रहा है। और मैं साइड पेनियर जो है, मैंने सैडल गार्ड वो मैं लगाता, लेकिन अभी सैडल गार्ड लगा के कोई फ़ायदा नहीं, सैडल गार्ड तभी लगाऊंगा जब कहीं पे राइड या कुछ जाऊंगा मैं, अभी सैडल गार्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो मुझे अभी सैडल गार्ड नहीं लगाना है। वही दिक्कत होती है थोड़ा, वीडियो को आप लंबा होगा लेंदी होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और इस साइड भी सेम, एक काम करूँगा कि मैं बीच बीच में ट्राई करूँगा कि कुछ जो वीडियो है उसको फास्ट करने की, नहीं तो वीडियो क्या होगा ना, बहुत ही ज़्यादा लेंदी, बहुत ही ज़्यादा
ये हो जाएगा अभी। एक आप पकड़ लीजिए ना, एक ही वीडियो मेरा निकल गया है 7 मिनट इंस्टॉलेशन का। इजीली आप क्या इस साइड में दिया गया है क्लैंप्स, उसमें इसको फिट कर दीजिए तो ये दोनों स्ट्रैप जो है आराम से रह जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्ड मेटल बन जाए। अभी अपनी बारी है सीट को लगाने की, तो चलिए अभी सीट को लगा देते हैं। ओके सो गाइस, अभी जो हमारा सेडल पीछे का जो टॉप रैक है वो लग चुका है और बस ये लुक निकल के आ रहा है अभी। सो गाइस, जो आप देख सकते हैं अभी मेरा जो टॉप रैक है वो अभी लग चुका है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी इसका थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं और तब जाके आपको बताएंगे कि कैसा लगा है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेटिव वाली चीज़ नहीं था, बस सिंपली घर में हम इंस्टॉल किए जो मेरा है टॉप रैक, इसको इंस्टॉल किए घर में भाई। प्राइसिंग इंस्टॉलेशन सभी मैं बता चुका हूँ, और अभी तक अपने अगर आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी सारे 2022 वाले मॉडल में एक्सेसरीज ऐड ऑन हुए हैं सभी आपके भाई के बाइक में लगेंगे। तो बस पहला तो ये आ गया, सेडल भी आ चुका है, और उसके बाद जितना भी वीडियो है सभी एक के बाद एक आता रहेगा। तो तब तक के लिए चलिए।